तो दोस्तों हमने टमाटर तोड़ लिए हैं, देखें आप फिर भी बहुत भरपूर टमाटर लगे हुए हैं, अभी भी आप गुच्छों में देख सकते हैं मेरे चारों तरफ टमाटर ही टमाटर पूरी छत में लगे हुए हैं। और ये देखिए और पूरी डलिया भर चुकी है टमाटरों से, और जो है कि यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ भी पूरा झाड़ आप टमाटर का देख सकते हैं। और मैं जल्दी से एक बैगन भी, मुझे बहुत दिनों में ये छुपा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आया, ये मैं बैगन भी तोड़ लेता हूँ। और ये आ गया, ये आ गया। और जो है मैं आपको पूरी सभी लोगन को गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे नए पुराने, और अगर जो हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि लॉकडाउन गार्डन में हम ऐसे ही आपको सिखाने हैं। इस वीडियो में हमें खूब, हम सोच रहे हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दें हम, ए टू जेड, है ना, ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक हम सोच रहे हैं पूरी जानकारी आपको, समय कब टाइम कब लगाने हैं, खाद में पानी कैसे देने हैं, और आपको इसकी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो और आगे की तैयारी कैसे करने, सब इसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपको हमारी छत में गमलन में बहुत टमाटर लगे हैं, चारों तरफ टमाटर ही टमाटर हैं, बोतल में और इसमें प्लास्टिक के डब्बा में, छोटे गमला बड़े गमला हमारे तेरे चारों तरफ जो है टमाटर ही टमाटर लगे हैं। हम चाहे जहाँ कैमरा घुमा दे वहीं आपको मिले टमाटर हैं। देखो ये झाड़ लगे की लगे हैं, उधर भी टमाटर आपको नज़र आ रहे हुए हैं, बहुत टमाटर लगे हैं, है ना। हम आपको चारों तरफ आप दिखाएं, अभी इस तरफ भी उस तरफ भी चारों तरफ लगे हैं। हम चलो जल्दी से आपके काम की बात कर लें कि आप भी हमारे तरह ऐसे ही बढ़िया खूबसूरत टमाटर उगाएं, आप भी खुशी का आनंद लें। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, समय को चुनाव अपन को करने हैं, समय बहुत ज़रूरी है। कोई भी अपन सब्जी उगा रहे हैं तो अपन को समय को बड़ा ध्यान देने हैं। देखो टमाटर अगर आपको उगाने हैं तो देखो सर्दियों का टाइम जो बहुत अच्छा समय होते हैं, नए से नए गार्डनर भी, हमारा विश्वास करो अब नए से नए गार्डनर भी जो है टमाटर सर्दियों में उगा सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं, इनमें कोई रोग नहीं लगते हैं, सर्दियों के टाइम पे हम बता रहे हैं आपको। लेकिन अब जैसे सर्दी जाने वाली हैं, ठीक है, तो अपन को जो है फरवरी में, लास्ट तक फरवरी में अपन को लगा लेने हैं, तो गर्मियों में अपन को मिलत रहें। अगर आप फरवरी में चूक गए तो समझो सब बेकार, फिर आप लगा तो ले हैं लेकिन वो कामयाब ना हुए, आपके फूल झड़ जाए, इतनी गर्मी पड़त है कि पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाते, सारे फूल आपके झड़ते जाएंगे, चाहे जितनी आप जो है कोशिश कर लेना है, ठीक है। समय की बात हो गई है और आपकी बरसात में आप लगा सकते हैं, बस फरवरी अगर निकल गई तो फिर आप ना लगाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको बताएं, देखो आज बहुत ढेरों टमाटर निकलने हैं, है ना, हाँ ठीक है। देखो समय की बात हो गई, अब हम बात कर ले रहे हैं पानी कब डालने, फूल झड़ने की दिक्कत, इसके फूल झड़ जाते हैं, है ना, तो फूल क्यों झड़त हैं और जो है अपन को फूल नहीं झड़न देने, उनकी का वजह है, अगर का गलती करत हैं अपन, अपनी का गलती हो जाते हैं। देखो जल्दी जल्दी बात कर ले रहे, देखो जैसे हमने जो पानी डालो है, ठीक है, जब अपन की इतनी एक इंची करीब जब मिट्टी सूख जाए, अपन को चेक कर लेने हैं, जब सूख जाए तो बस अपन जो है फिर डालने पानी, बार बार नहीं डालने, नहीं तो जो है झड़ जाए, फिर फूल झड़ जाएंगे, आपके फूल से टमाटर नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ठीक है, बात हो गई पानी की, अब जो है अपन को ऐसा क्या काम करने हैं कि जो है ऐसा क्या काम करने हैं कि हमारे, देखो जो हरो भी टूट गए गलती से, और देखो इसमें भी हम आपको पूरी जानकारी अलग से वीडियो डाल रहे हैं, इसको पूरी अलग अलग ट्रेक फंडे हम अपनात रहते हैं, है ना, ठीक है। अब चल रहे हम दूसरे पेड़ में, अरे 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 बहुत हैं अभी, देखो इधर पे बहुत झाड़ है, हाओ देखो सब दिखा रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी तोड़त जा रहे। अब देखो टमाटर तो बहुत लगे हैं, चारों तरफ टमाटर, जी लगी, बड़े बड़े टमाटर लगे, खूब टमाटर लगे हैं, ठीक है, जी लगे हैं, और जो है इसमें भी लोहे के कंटेनर में भी लगे हैं, और देखो टूटी हुई बाल्टी में भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, और जो है यहाँ पे भी आगे की भी तैयारी
चल रही है ना। और इसमें भी टमाटर खूब आ रहे हैं चारों तरफ, ऊपर भी उस तरफ भी है ना, नीचे यहाँ भी वहाँ भी। और जो है हम आपको दिखा रहे हैं ये झाड़ लगे हुए टमाटर ही टमाटर, देखो गुच्छन में टमाटर बहुत आ रहे। और हम आगे की तैयारी भी आपको बता रहे, रुक जाओ ठीक है। यहाँ भी टमाटर बहुत, ऐसी जगह हैं जो हम आपको छोटी, हम सोच रहे हैं आपको टाइम ज़्यादा ना लगे ठीक है। और देखो बोतल में टमाटर, ये देखो बोतल में भी टमाटर लगे हैं उस तरफ भी। ये बोतल है 5 लीटर की बोतल में, और इसमें भी बोतल में लगे थे, पहले भी हम बराबर तोड़ते चले आ रहे हैं, अभी भी निकलते चले आ रहे हैं। इसमें ये चेरी टमाटर बहुत ढेरों टमाटर इससे हमें मिले हैं बार बार, अभी भी ये जो है टमाटर देता चला जा रहा है। तो आगे की तैयारी देखो, हमने अपनी कर ली है गर्मियन की तैयारी। और गर्मियन में देखो सबसे ज़्यादा अपन को एक और फ़ायदा बताएं, पेड़ की पौधे की बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ करवाना है। तो हमने देखो अभी 3-4 दिन पहले इसके शकर निकाल दिए थे, ये शकर फिर से निकल आए हैं, तो अपन को ये शकर निकालते रहना है। और 2-3 दिन पहले हमने, कम से कम 3 दिन हो गए होंगे करीब, तो हमने इसके शकर निकाल दिए थे। तो देखो ये एकदम से कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, और अपन को गर्मियन में अब मिलत रहने हैं ठीक है। ऐसे शकर निकाल देने इनको, देखो कितना बड़ा शकर जो होगा वो है। तो बहुत जल्दी जल्दी शकर निकल रहे हैं, इनको अपन को निकालत रहने हैं ठीक है। जो हो गई हमारी गर्मियन की तैयारी है ना, गर्मियन भर इनसे 5-6 पेड़ हमने लगा ले हैं, तो इनसे हमें मिलत रहने हैं ठीक है। और ये हमें पालक की तैयारी हम कर रहे हैं ठीक है। और तो हमने ये टमाटर तोड़ ले रहे ठीक है, गर्मियन की तैयारी हो गई। और टमाटर की ग्रोथ हमें जल्द से जल्द कैसे बढ़ाने वो हो गई है, फूल झड़ने की दिक्कत कैसे होने वो हो गई है, मिट्टी अपन को भुरभुरी रखने हैं, और हर 15 दिन में इनकी गुड़ाई करत रहने हैं। 15 दिन में थोड़ी थोड़ी ऊपर की जड़ें को ध्यान देता होंगे और गुड़ाई कर लेने हैं। और अपन को ऐसे कंडन का पानी भी, हम लिक्विड खाद भी देते हैं, और जो है सरसों की खली हम हमेशा डुबाए रहा थे, और जो है सरसों की खली और पानी कैसे अपन को मिला के देने हैं वो हमने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं जाके अब देख लई हूँ। हर 5-6 दिन में अपन को जो है हफ्ता भर में लिक्विड खाद अपन को देते रहने हैं ठीक है।